दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रपतियों से देर रात मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तटीय शहर पोर्टेजा में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद अपनी 3 दिवसीय ब्राजील यात्रा पूरी कर आज स्वदेश के लिए रवाना हुए। इससे पहले मोदी ने ब्राजीलिया में ब्रिक्स नेताओं से ब्राजील के राष्ट्रपति डिल्मा रोसेफ द्वारा आमंत्रित दक्षिण अमेरिकी नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पश्चिमी देशों के दबदबे वाली अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को नया रूप देने को लक्षित विकास बैंक की स्थापना के अपने कदम का समर्थन किया। मोदी देर रात दिल्ली पहुंचने से पहले थोड़ी देर के लिए फ्रैंकफर्ट में रुकेंगे। इस साल के ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करने वाली ब्राजील के राष्ट्रपति दिल्मा रोसेफ ने अर्जेंटीना, वेनेजुएला, इक्वाडोर, कोलंबिया, अर्जेंटीना, पेरू, उरुग्वे, पराग्वे सहित दक्षिण अमेरिकी देश के नेताओं को आमंत्रित किया था। उन्होंने पिछले साल के डर्बन सम्मेलन के दौरान जैकब जुमा द्वारा अफ्रीकी नेताओं को आमंत्रित किए जाने की तर्ज पर ऐसा किया। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नेताओं ने दक्षिण अमेरिकी नेताओं से ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में मुलाकात की। गौरतलब है कि कल फोर्टालेजा में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में 100 अरब डॉलर की शुरुआती अधिकृत पूंजी के साथ नए विकास बैंक और एक आकस्मिक आरक्षित कोष की स्थापना का फैसला किया गया।